A very good morning, dear aspirants. Byju's के government exams prep channel में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Friends, इस lecture में हम चर्चा करेंगे this day in history segment की. एक ऐसा segment जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं इतिहास से संबंधित वो सभी खास facts और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन सभी government परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद हेल्पफुल है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल ऑल्सो शेयर सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, क्योंकि आज के सभी प्रश्न आज के ऐतिहासिक फैक्ट्स पे बेस्ड हैं. आप अवश्य ही इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके अभ्यास से आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा. तो आइए अब शुरू करते हैं 25 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की. सबसे पहला फैक्ट आज का एसोसिएटेड है 1900 अर्थात वर्ष 1900 से, व्हेन ब्रिटिश स्टेट्समैन लॉर्ड माउंटबेटन वाज बोर्न अर्थात आज ही के दिन ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म हुआ था. लुई फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन, हु वाज आल्सो नोन एज फर्स्ट अर्ल माउंटबेटन ऑफ बर्मा, वाज अ ब्रिटिश स्टेट्समैन एंड नेवल ऑफिसर जो कि भारत के आखिरी वाइसरॉय थे, एज वेल एज जिन्होंने भारत के पहले गवर्नर जनरल का पद संभाला था. वह वर्ष 1943 में सुप्रीम अलाइड कमांडर बने थे इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन और उन्होंने अमेरिकन कमांडर जनरल विलियम स्लिम के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करके जापानीज इन्वेजन ऑफ इंडिया प्रिवेंट किया था थ्रू द डिसाइसिव बैटल ऑफ इम्फाल ड्यूरिंग सितंबर 1954. विद दिस ही रिसीव्ड द जापानीज सरेंडर इन सिंगापुर. इस क्षेत्र में अपने अनुभव के कारण नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटले ने किंग जॉर्ज सिक्स को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वाइसरॉय नियुक्त करने की सलाह दी. वह 20 फरवरी 1947 को देश पहुंचे और उन्हें सबकॉन्टिनेंट को विभाजन से बचाने के लिए एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी डिवाइस करने का काम सौंपा गया, परंतु ब्रिटिश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बदलती स्थिति के अनुकूल एक डायनेमिक और सबके लिए एक्सेप्टेबल प्लान बनाने की चुनौती भी उन्हें दी गई. सेटिंग आउट विद हिज टास्क ही मेड फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडियन लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी, परंतु वह मोहम्मद अली जिन्ना को एक यूनाइटेड भारत के प्लान को मानने के लिए कन्विंस करने में असमर्थ रहे. इन मे 1947 ही केम अप विद अ प्लान under which he proposed that provinces should be declared independent successor states aur unhe ye ijazat de deni chahiye that whether they want to join the constituent assembly for india or not. Is plan ko bola gaya the dicky bird plan in 1947. Jawaharlal Nehru ko jab is yojana se avgat karwaya gaya to unhone iska virodh kiya ये कहते हुए that this will lead to balkanization of the country और इसीलिए इस योजना को अक्सर बाल्कन प्लान भी कहा जाता है. Later, Mountbatten came up with another plan which is popularly called as June 3 plan in history. परंतु आप यहाँ ये फैक्ट अवश्य याद रखिएगा कि इस प्लान को Mountbatten प्लान भी कहते हैं. This was the last plan for Indian independence. The June 3 plan included principles of partition, autonomy, sovereignty to both countries, namely India and Pakistan, and a right to make their own constitution. The constitution framed by the Constituent Assembly would not be applicable to the Muslim majority areas, kyunki yahan Pakistan mein shamil hone the. This plan was acceptable to both Congress as well as Muslim League, और तब तक Congress भी
कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी दैट पार्टीशन इज एन इनएविटेबल रियलिटी फॉर द सबकॉन्टिनेंट. दिस प्लान वॉज पुट इन टू एक्शन बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 विच वॉज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड विच रिसीव्ड रॉयल असेंट ऑन 18th July 1947. माउंटबेटन इसके पश्चात नई दिल्ली में तकरीबन 10 महीने के लिए और रहे, सर्विंग एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया टिल June 1948. In 1953, he returned to the Royal Navy and became a commander of a new NATO Mediterranean Command. और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन सा है हमारा अगला फैक्ट फॉर टुडे. सो दिस इज एसोसिएटेड विद 1908, अर्थात वर्ष 1908 से संबंधित है ये फैक्ट, विच इज दैट इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिशियन सुचेता कृपलानी वॉज बोर्न टुडे. लाइक हर कंटेम्प्रेरीज अरुणा असफ अली एंड उषा मेहता, शी केम टू द फोरफ्रंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 एंड वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द सेम. शी वॉज वन ऑफ द फ्यू वुमेन who were elected to the Constituent Assembly of India. और इनके बारे में सबसे विशेष बात जो आपको याद रखनी है वो ये है that she was elected as the first woman chief minister of an Indian state, that is the state of Uttar Pradesh. She was elected from Kanpur constituency in 1963. और ये पहली महिला थी जिन्होंने इस पद को संभाला किसी भी भारतीय राज्य में. She became a part of the subcommittee that laid down the charter for the constitution of India later. And she was also a founder of the All India Mahila Congress. इस संगठन का establishment हुआ था वर्ष 1940 में. इनकी autobiography अर्थात आत्मकथा की अगर हम बात करें तो आप नाम याद रखिए सुचेता, an unfinished biography. She was married to the independence activist J.B. Kriplani, जिन्हें भारतीय इतिहास में popularly आचार्य कृपलानी भी कहा जाता है, who himself was a famous independent activist and political leader. और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं जो है संबंधित 1931, अर्थात वर्ष 1931 से, when the 7th Prime Minister of India, V.P. Singh was born, अर्थात आज के दिन भारत के सातवें प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले वीपी सिंह का जन्म हुआ था. विश्वनाथ प्रताप सिंह वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द 7th पीएम ऑफ इंडिया फ्रॉम 1989 टू 1990. ही गॉट इलेक्टेड टू द लोकसभा इन 1971 एंड वाज अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स by Prime Minister Indira Gandhi in 1974. He served as the Minister of Commerce from 1976 to 1977 and later he became the Chief Minister of Uttar Pradesh State in 1980. During his tenure as the Minister of Defence later, the Bofors scandal had come to light, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने मिनिस्ट्री से त्याग दे दिया था. In 1988, he formed the Janta Dal Party by merging various factions of the Janta Party. Aur iske paschat, in the 1989 elections, the National Front with the support of the BJP formed the government, which led to VP Singh becoming the 7th Prime Minister of India. During his tenure as the Prime Minister, he implemented the Mandal Commission report for India's backward castes, which led to major protest against this act. He also created 62nd amendment to the constitution and he enacted the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act in 1989. इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद से eventually November 1990 में रिजाइन किया और इनका टोटल प्राइम मिनिस्टर कार्यकाल था तकरीबन 343 डेज तक का. With this, अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है. तो ये है संबंधित 1975 से, अर्थात वर्ष 1975 से.
When Indira Gandhi's government had declared a state of emergency in India, अर्थात इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में आपातकाल की घोषणा करी थी. भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी had declared a state of emergency in India on 25th June 1975 and democracy was restored back nearly after 2 years on 21st March 1977. Indira Gandhi had advised the then president of the country, Fakhruddin Ali Ahmed, to declare a state of internal emergency by using the provisions under the Article 352 of Indian Constitution. इस emergency को बिना लोगों को पहले से चेतावनी दिए गए ही लागू किया गया था on the midnight of 25th June. This national emergency was being declared in India for the third time. Because earlier, they had been declared 2 times. First, in 1962, during the India-China War, and later in 1971, during the Indo-Pakistan War. 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत से जीत हासिल करी थी. उन्होंने बैंकों के नेशनलाइजेशन और अपनी प्रो पुअर पॉलिसीज के कारण एक लोकप्रिय समर्थन प्राप्त किया था. परंतु 1971 की वॉर के कारण जीडीपी ऑफ द कंट्री बिकेम वेरी लो. द कंट्री ऑल्सो फेस्ड मेनी ड्राउट्स एंड एन ऑयल क्राइसिस. बेरोजगारी के रेट्स भी तेजी से उस समय बढ़ चुके थे. अ रेलवे वर्कर स्ट्राइक लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस इन 1974 वाज सिवियरली सप्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट. और इसी सब अशांति के चलते देयर वर आल्सो अटेम्प्ट्स बाय द गवर्नमेंट टू इंटरफियर विद द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशियरी. द इलाहाबाद हाई कोर्ट एट दैट टाइम आल्सो डिक्लेयर्ड दैट her election to the Lok Sabha was void due to electoral malpractice involved. और इसी दौरान जयप्रकाश नारायण ने एक संपूर्ण क्रांति अर्थात total revolution program भी अनाउंस किया था for people to come and retaliate against government. जब चीजें सरकार के लिए हाथ से बाहर होती नजर आईं, at that time श्री इंदिरा गांधी chose to declare an emergency and then immediately all major opposition leaders including J.P. Narayan, Morarji Desai, Charan Singh, Acharya Kriplani were arrested. During the emergency, civil liberties of people were all restrained. The freedom of the press was also curtailed. Aur kisi bhi cheez ko publish hone se pehle press ko इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना आवश्यक कर दिया गया. इसी कारण देयर वर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अक्रॉस द कंट्री. कर्फ्यू वाज इंपोज्ड एंड पुलिस आल्सो रिजॉर्टेड टू डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल्स. इसी कारण से अक्सर इमरजेंसी को भारत का इनफैक्ट फ्री भारत का डार्केस्ट पीरियड भी बुलाया जाता है. जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने देश के लोगों में रिटेलिएशन और एंगर का सेंटिमेंट ना रियलाइज करते हुए एक नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा करी. सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया. परंतु इंदिरा गांधी वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शन. द जनता पार्टी वन द इलेक्शन एंड द न्यू गवर्नमेंट वॉज हेडेड बाय मुरारजी देसाई एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. विद दिस Morarji Desai had also become the first non-Congress PM of India. और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से questions आज हमें solve करने हैं. The very first question is, what was the other name for June 3 plan? Options है A 1950 योजना, B Wavell plan, C Mountbatten plan, or was it D Attlee plan? With this, आज का second question है, who was the first woman chief minister of an Indian state, अर्थात भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? Options है A. Aruna Asaf Ali, B. Leela Seth, C. Usha Mehta, or is it D. Sucheta Kriplani?
With this आज का third प्रश्न है, Who had served as the seventh Prime Minister of India? अर्थात भारत के सातवें प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जैसे कि एवीपी सिंह, बी आई के गुजराल, सी मोरारजी देसाई और इज इट डी चंद्रशेखर. द फोर्थ क्वेश्चन फॉर टुडे इज हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड. ऑप्शंस है एवीपी सिंह, बी राजीव गांधी, सी इंदिरा गांधी और इज इट डी मोरारजी देसाई. और आज का पांचवा प्रश्न है, What does the Article 352 of the Indian Constitution deal with? Options है A national emergency, B election, C women employment or is it D panchayats? With this, the last and the sixth question for today is, Who was the Indian Prime Minister when a state of national emergency was declared in India in 1975? अर्थात 1975 में जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी उस समय कौन भारत के प्रधानमंत्री के पद पर थे. ऑप्शंस है ए राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी वीपी सिंह और इज इट डी चंद्रशेखर. और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा. फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. विद दिस हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.